इंग्लैंड को मिला नया टेस्ट कप्तान। हिंदुस्तान को आलमी चैंपियन बनाने वाले अजीम खिलाड़ी बनेगा कोच। जो रूट ने गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड की टेस्ट कप की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया था। गुज़िश्ता एक साल में टीम की कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही है, ऐसे में बेन स्टोक नए टेस्ट कप्तान बनने जा रहे हैं। इंग्लैंड का नया टेस्ट कप्तान तकरीबन तय हो गया है। बेन स्टोक नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों जो रूट ने टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर रॉ के साथ मीटिंग के बाद स्टोक ने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इंग्लैंड बोर्ड जल्द नए टेस्ट कप्तान का ऐलान कर सकता है। इस दरमियान बेन स्टोक ने अपनी तरजीहात भी बता दी हैं। वो दो सीनियर गेंदबाज जिमी एंडरसन और स्टीवर्ट ब्रॉड को फिर से टीम में वापस लाना चाहते हैं। मालूम हुआ कि इस सीजन में दोनों को खेलने का कम ही मौका मिला। इसके बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए दोनों को टीम से बाहर कर दिया गया था। एक खबर के मुताबिक बेन स्टोक इंग्लैंड के नए कप्तान की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट के नए कोच के तौर पर गैरी क्रिस्टन और साइमन केच सबसे आगे हैं। क्रिस्टन की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2011 में वनडे आर्मी कप का टाइटल जीता था। ईसीबी ने टेस्ट और लिमिटेड और दोनों के कोच के लिए अलग अलग दरख्वास्तें निकाली हैं। हालांकि बेन स्टोक को टेस्ट की कप्तानी करने का तजर्बा नहीं है। जो रूट की कप्तानी में पेशरफ वो नायब कप्तान के तौर पर ही खेलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग नॉलेज ऑब्जेक्ट।